मसूरी देहरादून मार्ग भट्टा गांव के पास एक होम स्टे में युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने शव को बेड के नीचे छिपा दिया। युवक मूल रूप से रुड़की का रहने वाला था, जिसका नाम कपिल बताया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि मृतक यहां अपने दोस्त और एक लड़की के साथ ठहरा था। कमरा भी मृतक की आईडी से ही बुक था। वहीं पुलिस ने कमरे को सील कर घटना की जांच शुरू कर दी है। रात को 1 बजे दोनों युवक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने आए और वापस कमरे में चले गए। रविवार को दोपहर को जब सफाई कर्मचारी कमरे को साफ करने गया तो देखा कि कमरे के फर्श पर खून के धब्बे लगे हैं और कमरे में कोई नहीं है, जिसके बाद उसने होटल प्रबंधक को बुलाया। कमरे में लगे बेड से रजाई और तकिया गायब थी। जब उसने बेड को ही लपेट लिया, नीचे कपल का शव पड़ा है। उसका गला बुरी तरह से किसी हथियार से रेता हुआ है। गला कटने पर खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस सीओ मसूरी अनिल जोशी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। पुलिस द्वारा होटल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। वहीं घटना स्थल के पास झाड़ियों से होटल की रजाई, तकिया और लड़की की चुन्नी खून से लथपथ हाल में मिली, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। इस पूरी घटना पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इसको हमने घटना स्थल का निरीक्षण कर लिया है और जानकारी हम लोग कर रहे हैं। गाड़ी यहाँ सूरी से निकल करके लगभग 6 से 7 बजे हमारा जो डोईवाला टोल है बैरियर, वहाँ से वो क्रॉस कर गई है। इसका हमको जानकारी करें, कोई लीड मिला है, इसको फर्दर डेवलप करेंगे और उसको वर्कआउट करेंगे। सर क्या मानते हैं, दो लड़का और एक लड़की थी, आईडी वगैरह नहीं ले रखी है, कहीं ना कहीं पुलिस को दिक्कत हो रही है? इसमें ऐसा है कि बेसिकली जो होटल मालिक है, इसकी जिम्मेदारी थी कि सभी तीनों का आईडी ले लेते और केवल जो है जो एक मृतक है जो गाड़ी लेके आया है रुड़की से, उसकी आईडी ली गई है। अब खैर जो भी हमारे फैक्ट हैं, जो भी जानकारियाँ वहाँ पर उसको हम डेवलप कर रहे हैं और इसको हम आगे डेवलप करके इसको वर्कआउट करेंगे। और एक बात ये भी समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं सामान्य तौर ड्राइवर और जो पैसेंजर हैं एक कमरे में रहते नहीं हैं, तो ये किन कारणों से एक कमरे में रुके हैं वो भी देखने वाली बात है। इसको फर्दर डेवलप करेंगे और वर्कआउट करेंगे, बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हत्यारे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।